हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल कॉलेज के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और गाइस, पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, पूरे डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले से गाइस। तो जरूर से आप लोग जाके देखिए उस वीडियो को अच्छे से सोच समझ के, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कीजिएगा, जिससे कुछ भी आप लोगों का गलती ना हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आईटी भी आप लोगों को शो कर रहा होगा। और गाइस, वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम कलकत्ता, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के ऊपर हम लाइन बाय लाइन कॉलेज रिव्यूज लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का आईएम कलकत्ता ऊपर पहले से वीडियो हम बना चुके हैं। तो जरूर से आप लोग जाके देखिएगा, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईटी भी आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो चलिए गाइस, आप लोगों को आगे चलते हैं और आज इस वीडियो में आप लोगों को हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताते, क्या कट ऑफ्स रहने वाली है वेबजी के अंदर, कैसे आप लोगों का एडमिशन लेना है, बीटेक के अंदर कितने सारे कोर्सेस रहती है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगी, पूरा अच्छे से आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो गाइस आप लोग एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रहे। और गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कॉलेज के ऊपर डिटेल में बात करने से पहले आप लोग थोड़ा सा कैंपस टूर करवा देते हैं, जिससे थोड़ा सा और आप लोगों को वीडियो एक्साइटिंग लगे। ये तो कॉलेज का कैंपस टूर, अब चलिए गए कॉलेज के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, उसके लिए अपना प्रेजेंटेशन में मूव करते हैं और उसका हेल्प से आप लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, लेट्स मूव टू आवर प्रेजेंटेशन। सो गाइज, आई होप आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉलेज का फ्रंट व्यू कितना सुंदर लग रहा है गाइज। आगे चलिए बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सो गाइज, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन विच वॉज सिचुएटेड इन हल्दिया वेस्ट बंगाल। और ये गाइज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसको नैक के तरफ से ये ग्रेड मिल चुका है, और ये गाइज AICTE से अप्रूव भी है। और ये गाइज स्टैब्लिश हुआ 1996 में, ऑलमोस्ट इस कॉलेज को 27 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छा खासा आप लोग इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग आप लोग 251 है NRF रैंकिंग, जो कि बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ है। और नैक की तरफ से तो एक ग्रेड मिल भी चुका है गाइज। अगर एफिशिएंस की बात करें तो एफिशिएंस में आप लोग इस कॉलेज को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया गया, मींस इस कॉलेज को कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, सारा इस कॉलेज का डिसीजन खुद का ही रहता है। प्लस आप लोग इस कॉलेज को अप्रूव भी किया हुआ AICTE से और रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC से भी है, तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक्रेडिटेशन बाय NAAC, तो NAAC के तरफ उसको एक्रेडिटेशन भी मिल चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। ये तो ये गाइस कॉलेज का ओवरव्यू। अब चलिए गाइस आगे, हम कॉलेज का कोर्सेज क्या क्या आपको ऑफर होती है वो सब आपको डिसन करते हैं, ठीक है। अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, जिसमें आप लोग केमिकल, कंप्यूटर साइंस, CSITE, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है गाइस। साइड में आप लोगों को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल कितने हैं वो भी आप लोगों को लिखा हुआ है। अगर मोस्ट कॉमनली बात करें जिसमें स्टूडेंट प्रीफर करते हैं CSITE में एडमिशन लेने के लिए, टोटल आप लोगों का CS के लिए आप लोगों को 180 सीट्स अवेलेबल है, IT के लिए आप लोगों का 120 सीट्स अवेलेबल है, और EC के लिए आप लोगों का 180 सीट्स अवेलेबल है। टोटल अगर काउंट कर लिया जाए तो अप्रॉक्स आप लोगों का 500 सीट्स आप लोगों का CSITE में अवेलेबल है। आप लोग अच्छा खासा सीट्स अवेलेबल है गाइस। और आप लोग थोड़ा सा लो रैंक भी आता है वेबजी एग्जाम में भी, तो भी आप लोग इस कॉलेज को आप लोग रिफर कर सकते हैं। आप लोग इसमें आराम से आप लोग वेबजी काउंसलिंग में इसमें मिल जाएगा, आप लोगों को कट ऑफ थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। आगे हम कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे गाइस, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोग थोड़ा सा स्पीड को करके देख लीजिए, 1.5x की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग कुछ भी डाउट ना रहे इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर बात करते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, तो टोटल 7 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप लोग एमटेक आप लोग बायोटेक से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। और अगर बात करेगा अगर MBA और MCA के लिए, तो MBA और MCA कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। टोटल 66 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और एमटेक में आप लोग 918 सीट्स अब यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आप लोग फ्यूचर्स में आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोग पास रहेगा, ठीक है। तो सारे स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए गाइस आगे, तो आप लोग कोर्सेज बता दिए गाइस, अब चलिए बताते कैसे आप लोग इसमें एडमिशन लेना है।
एडमिशन के लिए आप लोग दो प्रोसेस है गाइस, या तो फिर आप लोग वेबजी एग्जाम दीजिए या फिर आप लोग जे मेन्स का वीएसपी भी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वेबजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, इस वेबजी 24 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसका एग्जाम आप लोगों का अप्रैल 28 को होने वाला है, ठीक है। तो जिसमें आप लोग जैसा रैंक आता है, जैसा मार्क्स आता है, उसके हिसाब से आप लोगों को प्रेफर्ड कॉलेज मिलता है, ठीक है। अब जेई मेन्स के बेसिस भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन गाइस जेई मेन्स का सर प्रेशर आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाइक देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वेबजी में एडमिशन लेते हैं और वेबजी के द्वारा ऑलमोस्ट सीट फुल हो जाता है, तो बहुत ही कम सीट बचती है। तो यहाँ पे जेई मेन्स का परसेंटाइल हाइक देखने को मिल जाता है, 98-99% स्टूडेंट को मिलता है यहाँ पे एडमिशन, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि इस वेबजी में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छा रैंक आप लोग स्कोर कर सके, ठीक है। या फिर आप लोग अगर मैमटेक में एडमिशन लेना है तो WBPGAT या फिर गेट एग्जाम दे सकते हैं। MBA के लिए आप लोग WBGMAT एग्जाम भी दे सकते हैं और MCA के लिए आप लोग WBGCA एग्जाम भी दे सकते हैं। और आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना है वो कोर्स में के लिए आप लोग एग्जाम दे दीजिए और उसके हिसाब से आप लोग काउंसिलिंग में बैठ के आप लोग प्रेफर्ड कॉलेज को ले लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग वेबजी काउंसिलिंग होता है, काउंसिलिंग में आप लोग बैठते हैं, फिर आप लोग रैंक के हिसाब से आप लोगों को प्रेफर्ड कॉलेजेस मिलता है, ठीक है। भाई अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग कुछ भी डाउट होता है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, या फिर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना है, आप वेबजी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर भी आप लोग एडमिशन हो सकता है तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके कुछ मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं आप लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में, बीटेक में क्या क्या फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लगता है। और फी स्ट्रक्चर की बात करेगा तो अगर टोटल अगर हॉस्टल विथ हॉस्टल अगर बात की तो विथ हॉस्टल आप लोग का 527,700 रुपीज़ आप लोगों का लगता है। अगर आप लोग हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग 426,700 रुपीज़ में आप लोगों का टोटल बीटेक कोर्स में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, फोर ईयर्स का, जिसमें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारा सेमेस्टर वाइज आप लोगों को फीस दिया हुआ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। आगे अगर बात करेगा अगर बीटेक लेटरल एंट्री के लिए या फिर एमबीए कोर्स के लिए, तो बीटेक लेटरल एंट्री सेकंड ईयर में स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा या फिर आईटीआई करने के बाद, इसमें आप लोग विथ हॉस्टल आप लोगों का 4 लाख रुपीज लगता है और विदाउट आप लोग का 3,31,000 रुपीज लगता है। एमबीए कोर्स के लिए आप लोगों का 2,85,000 रुपीज लगता है विथ हॉस्टल और विदाउट आप लोग 2,32,000 रुपीज लगता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एमटेक का बात करें तो एमटेक के लिए आप लोगों का विथ हॉस्टल 2,52,000 और विदाउट हॉस्टल आप लोग 1,99,000 रुपीज। MCA के लिए आप लोग 2,77,000 रुपीज़ और विदाउट हॉस्टल आप लोग 2,24,000 रुपीज़। ये गाइस टोटल आप लोग फी स्ट्रक्चर आप लोग बता दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप लोग फीचर्स के लिए आप लोगों का हेल्प रहेगा, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में सारा चीज डिस्कशन किए, अब चलिए गाइस आगे हम लोग बताते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फैसिलिटी। बहुत से लोग जो भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उम्मीद करते हैं कि उस कॉलेज का फैसिलिटीज बहुत अच्छा हो, अगर 4 साल बहुत अच्छा गुजरे, उनका कैंपस लाइफ उनका अच्छा रहे, उसके लिए फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आप लोग फैसिलिटीज बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, सारा फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल से लेके लाइब्रेरी फैसिलिटी से लेके लेबोरेटरी से लेकर कंप्यूटर लैब स्पोर्ट्स रूम सारा फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको जिस तरह का लैब परफॉर्म करना है उस तरह का लैब आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वेल फर्निश्ड वेल इक्विप्ड लैब है गाइस, सारा इक्विपमेंट यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर लैब यहाँ पे वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब है गाइस, आप लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग वेब डेव जो भी आप लोग करना है सारा आप यहाँ पे कंप्यूटर लैब में कर सकते हैं गाइस। बाकी हॉस्टल्स में आप लोग गर्ल हॉस्टल बॉयज हॉस्टल सारा अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी आप लोगों का दिया हुआ है, बास्केटबॉल के लिए आप लोग कोर्ट दिया हुआ है, आप लोग बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है, सारा आप लोग यहाँ पे गेम्स के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए आप लोग कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, 4 साल आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गुजरने वाला है, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं कल्चरल इवेंट के बारे में गाइस, तो कल्चरल इवेंट में आप लोगों जो मेन टेक फेस्ट होता है इस कॉलेज का वो किस उसका नाम है गाइस रिविलिया, ठीक है। मेन कल्चरल फेस्ट है HIT का, इसमें आप लोग डांस कॉम्पिटिशन, फेस पेंटिंग, आप लोगों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन यहाँ पे होते रहती है और बहुत दूर दूर से कॉलेजेस भी आती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग बहुत अच्छा डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा नॉन टेक्निकल फील्ड में भी और टेक्निकल फील्ड में भी। वैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेस्ट लेक्चर्स भी आते रहते हैं, जैसे कि अश्विनी गोवर सर भी आ चुके हैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चर के तरफ से, और गाइज यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को गाइड भी किए, और अश्विनी गोवर सर को तो आप लोग जानते होंगे गाइज, वन ऑफ द शार्क टैंक इंडिया में आप लोग उनको देखे होंगे। बस बड़े बड़े सिंगर्स डांसर्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बस आप लोग एक्सपोजर मिलेगा, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना डिफरेंट कोकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके प्राइजेस भी जीत सकते हैं, ठीक है। ये तो एक कल्चर इवेंट्स के बारे में गाइज, तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए गाइस आगे हम बताते हैं प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड के बारे में, जो कि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर प्लेसमेंट्स की बात करेगा तो हमें जो मोस्ट कॉमनली कंपनी जो विजिट करती है यहाँ पे, जो कि आप लोग कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सब कंपनी मोस्टली कैंपस में विजिट करती है, क्योंकि गाइस ये सब कंपनी जो है ऑलरेडी आप लोगों का कलकत्ता में सिटेड है, तो डायरेक्टली आप लोग कॉलेज में कैंपस के लिए आ जाती है गाइस और बहुत से स्टूडेंट को प्लेसमेंट देती है, जिसमें आप लोगों का कैपजेमिनी,
2023 में आप लोगों का 283 स्टूडेंट को प्लेसमेंट दी थी, और कॉग्निजेंट में आप लोग 246 स्टूडेंट को प्लेसमेंट दी थी, एसेंचर में 132 स्टूडेंट को, और आप लोग इन्फोसिस में आप लोग 37 स्टूडेंट को। देख सकते हैं कितना स्टूडेंट को यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों का देखा तो स्टूडेंट का नेम वाइज आप लोगों को दिया हुआ है इसमें, अनामिका जो कि स्टूडेंट रह चुकी इस कॉलेज का, उनको सर्विस 9 से 27 LPA का ऑफर मिला था। जैसे प्रीति प्रिया जो कि स्टूडेंट रह चुकी, उनको टफ वर्क से 11 LPA का पैकेज लग चुका है। बाकी लास्ट में आप लोग देख सकते हैं 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 8.2 लाख, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों का प्लेसमेंट भी स्टूडेंट ग्रैप करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एवरेज आप लोगों को 7 to 8 लाख आप लोगों का यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, पैकेज आप लोग। बाकी आप लोग थोड़ा सा डिटेल में अगर जानना है तो आप लोग इसका आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, चाहे वहाँ प्लेसमेंट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर कट ऑफ्स की बात करेंगे तो कट ऑफ्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप वेबजी एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग पता रहना चाहिए कितना रैंक आते हैं, उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप लोग देखा जाती इस कॉलेज का कट ऑफ अगर देखें तो आईटी के लिए आप लोगों को 9,000 से लेकर 13,000 तक आप लोगों का कट ऑफ रहता है। कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों को 11,000 से लेकर 8,000 से लेकर 11,000 तक आप लोगों का कट ऑफ रहता है। इस बीच में अगर आप लोगों का रैंक आता है तो आप लोगों को चांसेस है कि मिल जाए ये कॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप लोगों का 14,000 से लेकर आप लोगों 23,000 तक आप लोगों का रहता है, ठीक है। इस बीच अगर आप लोग रैंक रहे हो तो फिर आप लोग ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग इसका वेबसाइट आप लोग चलिए बताए थे कहाँ से आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ अच्छा से। आप लोग इसमें आइएगा गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग वेबजी का वेबसाइट पे आइएगा। आप लोग तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोग विजिट किए होंगे। अब ई सर्विसेज में क्लिक करके आप वेबजी पे आइएगा, और वेबजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्टली आप लोग इस वेबसाइट आप लोग पेज ये खुल जाएगा। अभी पेज पर जाके आप लोग सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड जिस पर भी क्लिक करके आप लोग, और फिर आप लोग जो भी आप लोग कॉलेज का देखना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी आपका है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे कट ऑफ जेके देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आज चलिए अपना प्रेजेंटेशन मूव करते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं अगर एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज आप लोग 6 से 7 लाख तक आप लोग यहाँ पे मिल जाता है गाइस। मीडियम पैकेज आप लोग 5.5 LPA का मिला, जो कि मास कंप्यूटर कंपनी स्टूडेंट को देती है, और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 40 LPA लग चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। और बाकी यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, IBM, एसेंचर, फिर आप लोगों का वेदांतु, जस्ट डेल, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आती रहती है। अगर रिक्रूटर्स की बात करें देख सकते हैं यहाँ पे ITs कंपनी के लिए TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट सब कंपनीज आती है। और इंजीनियरिंग में जैसे आप लोग मान लीजिए मैकेनिकल में एडमिशन लेते हैं, सिविल में एडमिशन लेते हैं, केमिकल में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को JSW, ABGL, L&T, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ITC, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज आते रहती है, तो उसमें भी आप लोग का प्लेसमेंट लग जाता है। और PG कोर्सेज के लिए आप लोगों का ITC, एलेड मार्केट रिसर्च, एक्सिस बैंक, PTM, HSBC, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आते रहती है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे सारी यहाँ पे कंपनीज आती है, तो प्लेसमेंट में आप लोग कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग सारी चीज क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, तो हमारे व्हाट्सएप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना तो, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग सारी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू वॉचिंग।